तो वीडियो काफी दिन के बाद आ रहा है। इस वीडियो में हम बोल्ट G40 का डिटेल अनबाइज्ड रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन रिव्यू करने से पहले आपसे माफी मांगना जरूरी है। रीजन, इंस्टाग्राम पर आपने काफी सारे मैसेज मुझे किए कि इस ईयरबड्स का जो है वीडियो आप जल्दी लाओ वगैरह वगैरह इस तरह से रिलेटेड। तो ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी कोई प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हम एक दो दिन में ही वो चेक वगैरह करके और फिर वीडियो नहीं डाल देते हैं। उसे प्रॉपर हम कम से कम 10-15-20 दिन, ज्यादा से ज्यादा एक महीना, इतने टाइम यूज करने के बाद फिर हम एक अनबाइज्ड रिव्यू आपके सामने लेके आते हैं। क्योंकि 2-3 दिन टेस्ट करने के बाद हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पाता है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें इन ईयरबड्स में देखने को मिल सकते हैं आगे चलकर। तो जो हम यहाँ पर 15-20 दिन 25 दिन टेस्ट करते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। और इसी कारण से आपको हमारा अनबाइज्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है, गाली भी हम सुनते हैं, है ना। और YouTube मोनेटाइजेशन का जो कंडीशन है, जैसे कि 4000 आवर वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो भैया हमारा जो सबसे मुश्किल वाला टफ वाला काम था वो क्या, 4000 घंटा आवर वॉच टाइम कंप्लीट करना, भैया वो कंप्लीट हो गया, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर जो है ना उसमें लटक गया। बट हम ये नहीं कहेंगे कि भैया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2-3 वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे पास व्हाइट वाला है, व्हाइट के अलावा 2 और कलर में अवेलेबल है, ब्राउन और ब्लू। इसका जो केस है इस पर मैट फिनिशिंग किया हुआ है, ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है, फिंगर स्मैचेस नहीं आते हैं, धूल हो या फिर डस्ट हो इस पर चिपकते नहीं है। प्रीमियम क्वालिटी तो नहीं है बट प्राइस के अकॉर्डिंग सही है। अब चूंकि प्राइस की बात आ गई है तो प्राइस जान लेते हैं। मैंने इसे ऑफर के टाइम लिया था, 1100 रुपए मुझे पड़ा था, ऐसे इसका प्राइस 1200 रुपए है। और हाँ, कुछ दिन पहले मैंने बोट एयरड्रॉप 131 प्रो का रिव्यू किया था। अगर आप बोट एयरड्रॉप 131 प्रो का रिव्यू देखना चाहते हैं अनबाइज्ड, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और भैया ये काफी ज्यादा पॉपुलर ईयरबड्स है, लेकिन इसमें काफी झोलझाल है इनके रिव्यू में, और वो झोलझाल क्या है वो भी हमने उस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाया है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। क्वालिटी के मामले में बोल्ट G40 मुझे बेस्ट लगा एज कम्पेयर टू बोट एयरड्रॉप 131 प्रो से। सामने बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग, इसके नीचे LED इंडिकेटर लाइट, सबसे नीचे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, इसका जो लीड है ये मुझे सही लगा डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसका भी लीड परफेक्ट नहीं है। जब ये ओपन होता है तो एज कम्पेयर टू जो इस सेगमेंट में ईयरबड्स आते हैं उसके कम्पेयर में थोड़ा सा लुक को इनहेंस करता है, जो कि आपको काफी अट्रैक्ट करेगा। परफेक्ट नहीं से मतलब कि मुझे लगता है ये लीड ओपन करने पर थोड़ा और पीछे जाना चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं ईयरबड्स निकालता हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो उंगली होता है वो ऊपर में टच होता है और निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। ईयरबड्स ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, इस पर भी बोल्ट की ब्रांडिंग, माइक। कानों में जब मैं इस ईयरबड्स को लगाया तो फिटिंग मुझे सही लगा, इससे लगाकर वर्कआउट रनिंग वगैरह करते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा क्या डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। ऑन पेपर स्पेक्स और फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, ऐसा मैं कहने वाला था, क्योंकि जब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और चेक करेंगे तो वहां पर छपा हुआ आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3। बट जो ईयरबड्स के साथ यूजर मैनुअल गाइड दिया गया है उसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मेंशन है। तो भैया जी अपने हिसाब से ना कुछ भी मान लीजिए। रेंज 10 मीटर का है, ड्राइवर जो है वो 10 mm का है, केस बैटरी कैपेसिटी 550 mAh है, ईयरबड्स बैटरी कैपेसिटी 40 mAh है। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसे केस से निकाल लेना है और ब्लूटूथ ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग मोड आ जाएगा और फिर कनेक्ट हो जाता है, जो नॉर्मल सारे ईयरबड्स में आपको देखने को मिलता है। सीधा हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। देखिए अभी क्या है कि मैं थोड़ी देर पहले यूज कर रहा था, उसके बाद फिर ये डिस्कनेक्ट हुआ। डिस्कनेक्ट होने के बाद ये दोनों जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और बताता है इसमें कि आपका जो ईयरबड्स है वो ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर केस से निकालने के बाद भी आप देख सकते हैं कनेक्ट नहीं है। ऑन करने के लिए आपको इसे 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, एंड देन ये ऑन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है लाइट, उसी तरह से फिर इसको जो है 3 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। तो ये दोनों जो है वो ऑन हो चुका है, और जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पर आपका कनेक्ट जो है वो दिखाता है, 80% अभी बैटरी इसका शो कर रहा है। दोनों में से किसी को भी आप सिंगल टैप करेंगे तो प्ले पॉज आपका होगा, जैसे कि मैंने सिंगल टैप किया, पॉज हो गया, एंड देन सिंगल टैप प्ले हो गया। सॉन्ग फॉरवर्ड के लिए आपको डबल टैप करना होगा तो ये दूसरा सॉन्ग आ गया, और अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग सुनना है तो फिर से आपको इसे डबल टैप करना पड़ेगा तो ये प्रीवियस सॉन्ग आ गया। एक चीज और, जब यहाँ पर आप प्रीवियस सॉन्ग करते हैं तो ये जो प्ले है ये जब पूरा यहाँ पर आता है तो उसके बाद फिर जब आप डबल टैप करेंगे तो फिर आपका प्रीवियस सॉन्ग आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब वॉइस असिस्टेंट भी इसमें दिया गया है, तो उसे इनेबल करने के लिए दोनों में से किसी को भी आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक, तो यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट जो है वो ऑन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट जो है वो आ गया। अगर किसी का कॉल आ रहा है रिसीव करने के लिए, दोनों में से किसी को भी आप सिंगल टैप करेंगे तो कॉल आपका रिसीव हो जाएगा। कॉल कट करने के लिए डबल टैप करेंगे तो कॉल कट हो जाएगा। अगर किसी का कॉल आ रहा है आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी को भी आप डबल टैप करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ईयरबड्स है इसमें आपको 2 कोडेक मिलता है, एक है SBC और एक है AAC। बाई डिफॉल्ट जो है SBC रहता है, AAC एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पर आ जाना है इसके ब्लूटूथ वाले पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एसी में क्या होगा कि आपको एचडी साउंड का आउटपुट जो है वो मिलेगा, बट एसबीसी में आपको एचडी क्वालिटी जो साउंड का होता है वो नहीं मिलता है। तो ये फंक्शन दिया गया है। बाकी अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में इस ईयरबड्स में मुझे ऐसा कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इन केस अगर आपका ईयरबड्स सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कुछ अजीब तरह से फंक्शन करने लगा है, उस केस में क्या है कि आप इसे रिसेट कर सकते हैं। और रिसेट करने के लिए आपको 10 सेकंड तक दोनों ईयरबड्स को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके रखना है 10 सेकंड तक, ओके। और हाँ, ईयरबड्स में पावर ऑन ऑफ वाला फंक्शन भी है, जब आप उसे 3 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो आपका पावर ऑफ हो जाता है, वो कहता है, ठीक है ना, पावर ऑफ हो गया, पावर ऑन हो गया, कनेक्ट हो गया, तो ये सारा चीज आपको बोलेगा। अगर लेफ्ट वाले को प्रेस करेंगे तो फिर पावर ऑन होगा, ऑफ होगा, राइट वाले को करेंगे तो पावर ऑफ होगा, ऑन होगा, मतलब कि आप अगर एक यूज करना चाहते हैं एक ही बार में तो आप वो भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर टच रिस्पॉन्स की तो मुझे सही लगा। जैसे कि हमने आपको बताया, केस का जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 550 mAh और ईयरबड्स का है 40 mAh। यहाँ पर ऑन पेपर जो टोटल प्लेबैक टाइम है वो है 60 घंटा। 10 मिनट चार्ज करने पर 100 मिनट का आपको प्ले टाइम मिल जाता है, यानी 1 घंटा 40 मिनट का आपको प्ले टाइम मिल जाता है। बात करें अगर बैकअप की तो यहाँ पर मैंने जो टेस्ट किया है और मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमने क्या किया, जो SBC कोडेक मोड है तो हमने उसे में ही रखा, बाई डिफॉल्ट उसी में ही रहता है, और वॉल्यूम जो था वो हमने 60-70% पर रखा था, तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो हमें मिला 6-7 घंटा का। बट जब हमने इसे AAC में कन्वर्ट किया, यानी जो कोडेक मोड है उसमें डाला, और वॉल्यूम जो है वो 60-70% पे ही हमने रखा, और उसके बाद हम स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे थे, तो वहां पर जो बैटरी बैकअप है वो 5-6 घंटा का, मतलब हार्डली मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप मुझे सही लगा अगर दूसरे ईयरबड्स से तुलना किया जाए तो। अब देखिए भैया जी, ईयरबड्स, हेडफोन, ईयरफोन, चाहे जैसा भी हो, मतलब बिल्ड क्वालिटी या फिर जाके डिजाइन, तो इसमें हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन कहां कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, दो जगह पर, एक कंफर्ट और दूसरा है मेरा साउंड क्वालिटी। क्योंकि अगर ये दो चीज मुझे सही नहीं मिलता है, चाहे वो ईयरबड्स हो, हेडफोन हो या फिर ईयरफोन हो, तो फिर वो बेकार है, चाहे आप कितना भी अच्छा डिजाइन क्यों ना बना दें। कहने का मतलब ये है कि आइए जानते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। फर्स्ट आता है लाउडनेस, जो कि कम है, और इसी कारण से मुझे वॉल्यूम जो है 60-70% पर रखना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है कि मैं क्या स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर Amazon की बात करूँ, वहाँ पर Amazon Prime पर जब मैं वीडियो देखता हूँ, हॉलीवुड वीडियो वगैरह में क्या है कि वहाँ पर साउंड जो है वो हल्का कम आपको मिलता है, तो उस केस में क्या है कि जो वॉल्यूम है वो 70% से ऊपर मुझे करना पड़ता था। बट वहीं अगर YouTube की बात की जाए तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो अगर 50% पे भी रहता था तो मेरा काम चल जाता था, वो तब जब मेरे आसपास जो है वो नॉइस कम रहता था। लेकिन अगर आप इसे मार्केट या फिर ट्रेन में सफर कर रहे हो, उस केस में अगर इसका यूज करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली जो साउंड का आउटपुट है वो आपको कम लगने वाला है। दूसरा है बेस, ज्यादा नहीं है बट जितना इसमें आपको बेस दिया जा रहा है वो सही है। तीसरा है ट्रिबल, जो कि मुझे ऑन पॉइंट लगा। चौथा है वोकल, जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड है वो प्रॉपर समझ में आता है। बात करें अगर लो मिड हाई फ्रीक्वेंसी की तो वहां पर थोड़ा सा मामला जो है ना वो हिला हुआ है। बाकी यहाँ पर बेस, ट्रिबल, वोकल, इनके कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो एक अच्छा आउटपुट निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि बेस बहुत ज्यादा है, ट्रिबल जो है वो ठीक से बैठ नहीं रहा है, वोकल जो है वो अलग ही अपनी दुनिया में चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बोल्ट G40 है, इसका फिटिंग सही होने के कारण जो एनवायरमेंटल साउंड है वो कम कैप्चर करता है, बट लाउडनेस कम होने के कारण वॉल्यूम जो है वो 60-70% या फिर इससे ऊपर करना पड़ता है। मतलब कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वाला, वो काम तो करता है, लेकिन जब रस एरिया आ जाता है या फिर ट्रेन हो गया, मार्केट हो गया, इस तरह के प्लेस पर जो इसका नॉइस कैंसिलेशन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिस कारण से आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता है। और हाँ, IPX पाइप रेटिंग के साथ आता है, पानी का छींटा झेल देगा। देखिए भैया जी, टाइम क्या है, बरसात का, और बरसात में भैया हम इसका जो वीडियो शूट आउट किए ना, इधर उधर थोड़ा सिनेमैटिक वगैरह फोटो वोटो निकालने का, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लें, क्योंकि बरसात जो है वो रुक ही नहीं रहा था। तो हम सोचे चलो वाटरप्रूफ है, थोड़ा इसे पानी में भिगोते हैं और टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा। तो जितना भी यहाँ पर हमने फोटो लिया है ना, तो उसमें आपको पानी का छिटा हल्का फुल्का दिख ही जाएगा। अब ये ईयरबड्स जो है हमने किसी को दिया है, यानी भैया हमारे पास जो आता है क्या करते हैं ना कि उसे टेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर कोई हमसे मांगता है तो भैया कम पैसा में हम उसको दे देते हैं और फिर उसी पैसा से दूसरा ईयरबड्स खरीद लेते हैं। अब भैया हम इतना अमीर आदमी तो नहीं है, इतना पैसा तो नहीं है हमारा कि धका धक हम ईयरबड्स खरीदते रहें, आज ये खरीद लिए वो खरीद लिए और सजा के रखें, नहीं ना, समझ गए ना, बाकी समझदार है आप लोग। तो जिसको ये ईयरबड्स हमने दिया है उसी के मुझे हम सुन लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो अभी कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्योंकि मतलब आज लास्ट डेट ही है ना रिटर्निंग वगैरह का। ठीक चल रहा है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं राइट और लेफ्ट वाले में कम ज्यादा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, अभी नहीं ना। अच्छा ठीक है, यही मतलब कंफर्म करना था एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर रिटर्न में डालते ना। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम उन चीजों के बारे में जो डे टू डे लाइफ में हमने नोटिस किया है।
फर्स्ट आता है कनेक्टिविटी। देखिए कहने को तो 10 मीटर दिया गया है बट हमको लगा नहीं। एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं, बीच में अगर दीवार आ जाता है मतलब बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो कनेक्टिविटी में इशू आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 से 5 मिनट तक अगर ये डिस्कनेक्ट रहता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑफ हो जाता है। इसको ना हम थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए मान लेते हैं कि हम अभी अपने रूम में बैठे हुए हैं यहाँ पर और कोई कुरियर बॉय जो है वो आ गया है भैया सामान लेके, ईयरबड जो है वो हमारे कान में लगा हुआ है, हम उसके पास गए और फिर हमारा हो जाता है डिस्कनेक्ट। अब 5 मिनट हमारा वहां लग गया, बतियाने लगे उनसे क्या कैसे हाल चाल पूछने लगे, तो ऐसे में क्या है कि ये ऑफ तो हो जाता है लेकिन अब जब मैं वहां से यहाँ आ रहा हूँ रूम में पहुंचता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो ऑफ हो चुका होता है। तो ये आपको डे टू डे लाइफ में इरिटेट करने वाला है काफी ज्यादा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो ईयरबड्स है उन दोनों को आपको टच करके 3 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, इसे इसे दोनों साइड, एंड देन फिर वो ऑन होगा, फिर जाके वो आपका कनेक्ट होगा। मेरे हिसाब से ऑटो कनेक्ट वाला फीचर होना चाहिए था। और हाँ, इसके यूजर मैनुअल गाइड में ये लिखा है कि जब केस ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट पेयरिंग एंड डायरेक्टली आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केस ओपन करने पर ये कनेक्ट नहीं होता है, जब ईयरबड्स आप बाहर निकालते हैं तब कनेक्ट होता है। कुछ ईयरबड्स में ये फीचर होता है कि केस जैसे ही ओपन करते हैं तो वो आपका कनेक्ट हो जाता है आपके डिवाइस से, बट इस वाले ईयरबड्स में ये फीचर नहीं है, सिर्फ पेपर पर छपा हुआ है। एक चीज और मैंने नोटिस किया इसमें, तकरीबन 7 से 8 दिन यूज करने के बाद ये चीज मेरे डिवाइस में आना शुरू हुआ था। केस से बाहर निकाल के जब आप कान में लगाते हैं तो बताता है कि कनेक्टेड, और फिर उसी समय बताता है डिसकनेक्टेड, और फिर थोड़ा देर के बाद बताता है कि कनेक्टेड। तो ये चीज मैंने फेस आउट किया, सोचा मैं आपको बता दूं। दूसरा है केस चार्जिंग इंडिकेटर लाइट कंफ्यूजिंग, यानी इसका केस का इंडिकेटर लाइट है ये आपको भैया बहुत कंफ्यूज करने वाला है इस मामले में कि ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है ये आपको पता नहीं चल पाता है। अब जिसको हम ये ईयरबड्स दिए ना तो वो भी फोन करके हमको यही कहे कि मतलब इसको चार्ज कब करना है, ये डिस्चार्ज कब होगा। तो ये चीज तो भैया डिस्चार्ज होने के बाद ही पता चलेगा, जब उसमें लगाएंगे तो वो लाइट नहीं जलेगा तो मतलब पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। बट यहाँ पर जो परसेंटेज में बताना चाहिए या फिर ऐसा कुछ इंडिकेट करता कि जैसे अगर मतलब 20% रहता तो बोलता 20% ही आपका केस जो है वो चार्ज है, आप इसे चार्ज में लगा लो, जिस तरह से ईयरबड्स में इंडिकेट करता है। जैसे 20% होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका बैटरी जो है वो लो हो चुका है, आप इसे चार्ज में लगाओ। तीसरा चीज जो मैंने नोटिस किया है कि जब आप इसके वीडियो को देखेंगे, दूसरे वीडियो को, तो वहां पर कहा है कि इसका जो ये लो लेटेंसी मोड है जो इसमें दिया गया है ये मतलब काम करता है, मतलब ठीक काम करता है, आप मतलब गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लेना है, म्यूजिक भी अच्छा मिल जाएगा, गेमिंग जो है वो भी मेरा अच्छा चल जाएगा, तो ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि इसमें जो लो लेटेंसी है वो परफेक्टली काम नहीं करता है। इसमें कोई भी आपका डेडिकेटेड कोई गेम मोड बटन नहीं दिया गया है, तो इनबिल्ट इसमें लो लेटेंसी मोड वाला ऑप्शन दिया गया है कि गेम से कनेक्ट होता है तो वो लो लेटेंसी जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, बट वो परफेक्टली काम नहीं करता है। लास्ट में आता है वॉल्यूम कंट्रोल, तो वॉल्यूम कंट्रोल आप इससे नहीं कर पाते हैं, आपको अपने फोन से ही वॉल्यूम कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी डे टू डे लाइफ में आपको फील होगा कि काश इसमें ऐसा कुछ फंक्शन होता जबकि वॉल्यूम यहीं से कंट्रोल किया जा सकता तो अच्छा होता। तो काफी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये ईयरबड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहली बात साउंड यानी म्यूजिक, अगर म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ईयरबड्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप ले सकते हैं, फिटिंग अच्छा है, साउंड क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाता है, लाउडनेस कम है बट मुझे लगता है कि काम चल जाएगा। बट वहीं अगर गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं भैया आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा गेमिंग में, लेटेंसी एकदम बढ़ बढ़ के मतलब फायर आप करेंगे थोड़ा देर के बाद आपको आवाज आएगा कि भैया गोली चला है ऐसा कुछ। बाकी अगर आपको ये ईयरबड्स परचेस करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ईयरबड्स को परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये अनबायस्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब जैसा कि हम आपको कहे कि भैया 2-3 वीडियो देखिए अगर पसंद आता है तो फिर यहां से जब आवाज आए तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे जो हम आपको कहे कि हमारा जो 4000 घंटा आवर वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया, बस सब्सक्राइबर में भैया हम लटक गए हैं, 1000 चाहिए, 500 मतलब 600 जो है वो हो चुका है ना, 400 और, तो बाकी समझदार हैं आप लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।